ऐसे नाराज होके जाओगे? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम्हें दूर जाते हुए देख नहीं सकता था। जैनब के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे इस घर में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। सीधी सी बात यह है बरखुरदार कि हम तुम्हारा दूसरा निकाह करना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कुछ समय के लिए भटक गया था, लेकिन अब जब वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, सही रास्ते पे आ रहा है, तो माफ क्यों नहीं कर देता उसको? इस घर के हर कमरे में, हर चीज में उनकी खुशबू बसती है इस घर में, जो हमें हर पल एहसास दिलाती है कि सोहेल जिंदा। कल निशा, पम्मी और अजीब लैंड कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुलजीत उन्हें रिसीव करने दिल्ली जाए। मैं? क्यों? दादी, अगर मुझे दिल्ली भेजना था तो पहले बताना चाहिए था ना आपको। क्यों, तुझे कल कोई काम है या फिर तेरी कोई अपॉइंटमेंट है? वो पगड़ी भी हो गई ना, अब क्या बचा है? बस कर कुलजीत, कल तू दिल्ली जा रहा है, समझा ना? और हाँ बहू, ऊपर के ना दो कमरे साफ करवा देना। मैंने उन्हें यहीं रहने के लिए कह दिया है। डिस्कनेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई कर लूं। और सारी रस्में ना हम अपने घर में ही करेंगे, खाली फेरे जो है वो गुरुद्वारे में कर लेंगे, ठीक है ना? जी। फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा क्या हो गया कि फोन भी नहीं उठा सकते? और हाँ, राजीव ना पिछली बार लुधियाने जाने से रह गया था, तो एक दिन ना उसे लुधियाना ले जाना, उसने बहुत रिक्वेस्ट की, ठीक है? एसएमएस करते हैं। वो तो पड़ेगा ही। कनाडा से ना राजीव के कुछ दोस्त भी आएंगे व्याह में, उनके रहने का किसी अच्छे से होटल में बंदोबस्त कर देना, ठीक है ना? कम ऑन कुलजीत, कम से कम एसएमएस तो पढ़ो। ओहो कुलजीत, ये कौन तुझे बार बार फोन कर रहा है, कभी मैसेज कर रहा है, कुछ कर रहा है? जी वो जसमीत का फोन है। ला मुझे दिखा। ला मैं बात करती हूँ उससे। जी जसमीत, तो ये जसमीत का कॉल है। तुम दोनों को पता है कि तुम्हारा पुत्र आजकल कौन सी हवा में उड़ रहा है? ये जसमीत के नाम पे सूर्या की कॉलें अटेंड कर रहा है। अरे अभी एक कुड़ी से पीछा छूटा नहीं कि दूसरे के चक्कर में पड़ गया ये। और तीसरी जो घर में आएगी उसकी इसको कोई फिकर ही नहीं है। कल जब निशा इस घर में आएगी और इस लड़की का फोन अगर इसी तरह से आता रहेगा, तो आप लोगों को पता है क्या हो सकता है? कुछ फिकर करो अपने पुत्र की। कोई बात नहीं, जब तक तुम जवाब नहीं दोगे ना, मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगी। बीजी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। उसको कोई जरूरी काम होगा इसलिए उसने फोन किया। अच्छा, तो तेरे से जरूरी काम भी होता है उसको, है ना? ठीक है, ये फोन कर उसको, मैं अभी देखूं कौन सा काम है। और हाँ, वो क्या कहते हैं, स्पीकर पे लगा फोन, मैं देखती हूँ क्या जरूरी काम है, सुनती हूँ मैं। लगा। अच्छा ठीक है, आप लोगों को सुनना है ना, मैं अभी सूर्या को फोन लगाता हूँ, आप लोग स्पीकर फोन पे सुन लीजिए। फोन।
अभिजीत, तुम मेरा फोन क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हो? थैंक गॉड कम से कम फोन तो किया। सूर्या तुमने फोन किया था, कोई जरूरी काम है क्या? क्यों जरूरी काम होगा तभी फोन कर सकती हूँ क्या? नहीं वो मैं थोड़ा बिजी था इसलिए पूछ रहा। ठीक है अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो। बहुत जरूरी काम था, इतना जरूरी काम था, इतना जरूरी काम था कि तुम्हारे बिना कोई नहीं सकता था। मेरे बगैर पूरा नहीं हो सकता, ऐसा क्या काम है? काम आ गया इसीलिए फोन कर रही थी कोजी, वरना मैं भी पागल थोड़ी ना जो बार बार तुमको फोन करके परेशान करती रहूं। ठीक है सूर्या लेकिन काम तो बताओ। अब तुमको सारा का सारा काम फोन पे ही सुनना है क्या? घर नहीं आ सकते सूर्या, एक घंटे का रास्ता था इसलिए मैंने पूछा। तो क्या हुआ? मेरे लिए इतनी सी ड्राइव नहीं कर सकते तुम कुलजीत? ऐसी बात नहीं है सूर्या पर प्लीज काम तो बताओ। ठीक है तो काम सुन लो। मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास करना है। तो ये था उसका जरूरी काम, टाइम पास करना है तेरे साथ। कुलजीत तुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस लड़की का इशारा किस तरफ है, और अगर तुझे समझ आ रहा है तो फिर तू गलत रास्ते पर जा रहा है, समझा ना? एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अब तेरा विवाह हो रहा है और अगर इस बार मुझे किसी के आगे भी शर्मिंदा होना पड़ा ना तो फिर तू मेरा मरा मुंह देखेगा, मेरा मरा मुंह देखेगा, समझा तू? नहीं विजय। ठीक है बेटा, मैं जानती हूं कि तुम सोहेल से बेहद मोहब्बत करती हो, पर बेटा ये भी तो सच है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहा और किसी के सहारे ऐसे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी उम्र है, आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है? अम्मी हमने अपनी जिंदगी का हर लम्हा सोहेल के नाम कर दिया था, हमारी सांसें, हमारी धड़कन, हमारी जिंदगी, हमारी वफा, सब कुछ सिर्फ सोहेल के लिए। हम किसी और से निकाह करके अपनी मोहब्बत के साथ बेवफाई तो नहीं कर सकते ना? वफा के नाम पर ऐसे सच्चाई से मुंह मोड़ लेना भी तो ठीक नहीं है, और अल्लाह भी नहीं चाहते हैं कि उसके बंदे ऐसे मायूसी से जिंदगी बसर करें। आखिर कब तक तुम ऐसी जिंदगी गुजारोगी? किसी की यादों के सहारे जिंदगी तब तक गुजार सकते हैं जब तक कि जिंदगी का कोई दूसरा सहारा ना मिल जाए। एजाज बहुत ही जहीन, नेक दिल और सलीकेमंद इंसान है, वो तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। अम्मी फिर तो ये एजाज के साथ भी नाइंसाफी होगी ना कि हम निकाह एजाज के साथ करें और सोहेल की यादों में खोए रहें। बेटा मैं जानती हूँ तुम सोहेल से बेहद मोहब्बत करती हो और सोहेल भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता था, पर जरा सोचो क्या उसे तुम्हें इस हाल में देखकर खुशी होती होगी? उसे कितना दुख होता होगा ये देखकर कि जिस औरत को उसने अपने शरीके हयात बनाकर हर खुशी देने का वादा किया आज वो उसी की वजह से आंसू बहा रही है। अम्मी आप जो भी कहिए हमसे नहीं होगा ये, हमसे नहीं होगा कि हम किसी और से निकाह करें। मेरी बातों पर गौर करो, भले ही फैसला हमारा है लेकिन उस पर आखिरी मंजूरी तुम्हारी होगी और तुम्हारी जो भी रजा हो तुम्हारे अब्बू और मैं उस पर अमल करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा, तुम्हारा फैसला सर आंखों पर है। एक माँ की हैसियत से मैंने तुम्हें समझा दिया।
क्या जवाब दूं मैं रमजान को? कुछ तो कहना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम रमजान मियां। हाँ वालेकुम अस्सलाम मियां। भाई मुबारक हो, एजाज ने निकाह के लिए हामी भर दी है। भाई उम्मीद करता हूँ कि तुमने भी आयशा बेटा से बात तो कर ली होगी। हाँ जी, वो क्या है कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन 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 क्या वो क्या है रमजान मियां कि सुहेल की मोहब्बत आयशा को निकाह करने की इजाजत नहीं दे रही है। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो सुहेल का नाम ले लेती है ना, तो हम भी मजबूर हो जाते हैं। तो ये बात देखो मियां, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद वहां आके उससे बात करूंगा, और मुझे लगता है कि मैं उसे मना लूं, मेरी बात नहीं काटेगी। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा जी, अब तो सूर्या का पगड़ी समारोह भी खत्म हो गया है, आप कब बात करेंगे उससे? इतनी उतावली क्यों हो रही है रचना जी? वो थोड़ा समय देख के बात कर लूंगा। देखिए, जब आपको पता है कि सूर्या के दिल में क्या है, तो फिर इंतजार किस बात का? इंतजार है कंफर्मेशन का। आप ना बस कंफर्मेशन के बारे में सोचते रह जाएंगे, और उधर पता चलेगा कि पका पकाया मालपुआ कौआ खा गया। तो मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि वक्त जब हाथ से निकल जाएगा ना, फिर देखिएगा हाथ मलते रह जाएंगे हम। देखिए ना, जब आपको पता है कि कुलजीत और सूर्या एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर जाकर सीधी सीधी बात करिए ना सूर्या से, आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। अगर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बताया तो फिर? तो मेरे से कर लेगी ना बात सूर्या, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। आप चलिए, उठिए, चलते हैं। ओए रचना जी, आप तो ऐसे जल्दबाजी कर रहे हैं कि आपका बस चले तो आप आज ही सूर्या का ब्याह करवा दो। जी हाँ बिल्कुल, मेरा बस चले तो मैं आज ही सूर्या का ब्याह कर दूं। बेटी के ब्याह का अरमान कब से मेरे दिल में अंगड़ाइयां ले रहा है। प्रीत का ब्याह तो नहीं कर सके, कम से कम सूर्या का ब्याह करके तो थोड़ा सुकून पा लूं। ऐसा कौन सा फैसला अबू ने सुना दिया जिससे मेरे शौहर के आंसू बहने लग गए, जिससे उसका दिल सल सल कर रो रहा है? क्या बात है एजाज, आपकी आंखें छलकने को बेताब क्यों हैं? बताइए ना एजाज, आप क्यों रो रहे हैं? मैं आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर आज मैं आपके सामने होती तो आपको कभी ना रोने देती, अपने होठों से आपके सारे आंसू पी जाती, मगर मैं मजबूर हूँ। बताइए ना एजाज, से कुछ मत छुपाइए। क्यों ज़ैनब, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये गलत है। आखिर बात क्या है? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी इस घर में रौनक नहीं है, वीरानियां सी छाई रहती हैं। ज़ैनब के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे इस घर में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। सीधी सी बात यह है बरखुरदार कि हम तुम्हारा दूसरा निकाह करना चाहते हैं। पहले अल्लाह ने मुझे तुमसे जुदा कर दिया, और अब अब्बू भी मुझे तुम्हारी यादों से दूर कर देना चाहते हैं।
थक गया उनके एहसानों का बोझ ढोते ढोते। जी करता है यहां से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ मैं और तुम्हारी यादें हो, बस दूसरा कोई ना हो, जहां हम सुकून के साथ रह सके। मगर जैनब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं उन्हें जवाब भी तो नहीं दे सकता, नहीं कह सकता उनसे कि मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है, उसके इतना एहसान है मुझ पर। मेरी जिंदगी का एक एक पन्ना उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। एक यतीम को माँ बाप का प्यार दिया है, इस काबिल बनाया कि वो खुदा जब अपने नाम से जाना जाए। उनके इतना एहसान है मुझ पर जैनब, मैं उनके हुक्म को ना नहीं कर सकता। मगर जैनब वो मेरे दिल में जाकर क्यों नहीं देखते कि मुझे क्या चाहिए। अरे क्यों नहीं छोड़ देते मुझे वो कहीं अकेला, क्यों नहीं छोड़ देते मुझे अकेला तुम्हारे साथ, तुम्हारी यादों के साथ। ऐसा कौन सा फैसला अबू ने सुना दिया जिससे मेरे शौहर के आंसू बहने लग गए, जिससे उसका दिल सल सल कर रो रहा है। ऐसी कौन सी बात आपने सुन ली जिससे आपको लगता है कि आप मुझसे और मेरी यादों से दूर चले जाएंगे। ऐसा कौन सा फरमान है एजाज, ऐसा कौन सा फरमान है जो आप ना चाहते हुए भी सर झुकाकर मानने को मजबूर हैं। वो मेरा दूसरा निकाह कराना चाहते हैं, तुम्हें भी बुरा लगा ना, सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। जैनब मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, तो फिर मैं किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं। लेकिन मैं अब्बू को कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं उन्हें कि मेरे लिए आज भी मेरी जैनब ही सब कुछ है, मैं उसके साथ खुश हूं। और अगर एक माँ अपनी बेटी का ब्याह करवाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? ना जी, कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर चलिए ना, चलकर बात करते हैं। ये क्या जैनब, मेरे दर्द पर तुम्हें पहली बार हंसते हुए देख रहा हूं। आपके दर्द पर नहीं एजाज, आपकी मासूमियत पर हंसी आ गई मुझे। अल्लाह आपके इस पाक दिल को हमेशा यूं ही साफ रखे, आपको हर बद नजर से बचाए। लेकिन एजाज, अब्बू ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। तुम भी अब्बू के फैसले का साथ दोगी? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे जैनब, एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल का हाल समझ सकती हो, और तुम ऐसा कहकर। नहीं जैनब, नहीं, ऐसा मत कहो जैनब, ऐसा मत कहो, नहीं तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। मैं तुमसे बेवफाई नहीं कर सकता जैनब, नहीं कर सकता। आप मुझसे कोई बेवफाई नहीं करेंगे इसमें, बल्कि अब्बू की बात मानकर आप इस घर में उम्मीदों के नए चिराग को रोशन करेंगे। मैं जानती हूं एजाज, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन मेरे महबूब, मेरी सरताज, आप मेरी नजर से इस घर को देखिए।
घर में यादें नहीं, खिलखिलाहट की जरूरत है। गमों के अंधेरे नहीं बल्कि खुशियों की जगमगाहट की जरूरत है। एक मजबूत सहारे की जरूरत है जिससे इस घर में एक नई उम्मीद जाग सके, इस घर को एक नया चिराग मिल सके और मेरे प्यारे एजाज को उसका हर पल रोशन हो सके। वादा कीजिए आप ये निकाह जरूर करेंगे। और अगर एक माँ अपनी बेटी का ब्याह करवाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? ना जी, कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर चलिए ना, चलकर बात करते हैं। आपके सीने में एक माँ का दिल होता ना तब आपको पता चलता कि माँ के दिल में कितनी बेचैनी होती है बेटी का ब्याह करने के लिए। तो मैं सब समझता हूँ रचना जी, पर जाने क्यों थोड़ा सा डर लगता है। डर? डर किस बात का जी? कि क्या कुलजीत के परिवार वाले इस रिश्ते को कबूल करेंगे? याद है पिछली बार बीजी ने इतना कुछ। बंद करो ये नाटक। ए शादी नहीं हो सकती। पहले अपनी बेटी से कुलजीत पर डोरे डलवाए और उसके बाद अपनी बांझ बेटी को हमारे गले मरने की साजिश कर रहे थे आप लोग। आप लोग सब जानते थे फिर भी आपने मेरे पोते की जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। क्या यह सच नहीं है कि प्रीत कभी मां नहीं बन सकती? कुलजीत के लिए प्रीत नहीं बनी। मैंने कह दिया सो कह दिया कि यह शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। पर आप ही तो कहते हो कि तब गलती हमारी थी। हाँ, लेकिन बीजी गुस्से में आकर इतना सुनाकर गई थी तो उसके बाद क्या वो हमारे परिवार से दोबारा रिश्ता जोड़ेंगी? यही सोचकर मेरे कदम पीछे हट जाते हैं, वरना तो मैं खुद। और अब जब सच सामने आ ही गया है तो बारी है सजा सुनाने की। मेरे ड्रामे का असर तो हो गया। अब सवाल ये है कि मैं निकाह के लिए हामी भरूं तो कैसे? मुझे कोई ऐसा पॉइंट तलाश करना पड़ेगा जिससे कि इन्हें ये लगे कि मैं अगर इस निकाह के लिए राजी हुई हूं तो Due to circumstances. आप देखती हो कौन रोकता है तुम्हें मेरा होने से।